नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। तो हमारा आज का टॉपिक है, आज का विषय है बिहार SSC इंटर स्तरीय जो परीक्षा मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए मैं आज मैथमेटिक्स का सेट प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आज भी जो भी मेरे चैनल पर बिल्कुल नया है, वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं अपलोड करूँ वो आप लोग तक तुरंत ही पहुँच जाए। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यह है पहला प्रश्न, लिखा हुआ है समान व्यास वाले डायमीटर जो होते हैं 10 पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, यदि दो पाइप खराब हो जाए तो शेष पाइप टंकी को कितनी देर में भरेंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखने में तो ये लगता है कि ये आपको है वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन, या फिर इससे पाइप तथा टंकी से क्वेश्चन, लेकिन इसको बनेगा आपको चैन रूल के आधार पर। जैसे बता दूं, 10 पाइप है ना किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, तो कितना, दो पाइप खराब हो गया तो कितना, 8 पाइप बचा, 8 पाइप किसी टंकी को वाट मिनट में भरेंगे, यही इसे हमको फाइंड करना है। 8 + 24 कितना, 10 + 30 यानी मिनट बराबर कितना हो गया, 30 मिनट, ये हो गया आपका आंसर और ये है नंबर सी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नंबर दो क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर दो का प्रश्न है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक वर्गाकार खेत को तिरछा यानी विकर्ण में चलकर 2 मिनट में पार कर लेता है, खेत का क्षेत्रफल क्या है, 20 एयर्स, 22 एयर्स, 50 एयर्स, 75 एयर्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि एक खेत इस प्रकार का, देखिए वर्गाकार यानी स्क्वायर में खेत है इस प्रकार से, और ये विकर्ण इस प्रकार से, इसको ये 2 मिनट में पार कर लेता है। तो ये कह रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल क्या है, तो खेत का क्षेत्रफल विकर्ण के संदर्भ में होता है, क्षेत्रफल होता है विकर्ण के संदर्भ में, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण तो लिखना नहीं है, विकर्ण मतलब ये दूरी निकालना है, दूरी अर्थात विकर्ण, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल कितना है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखे 3, लेकिन यहाँ पे मिनट है, एक काम करते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, 5/28 हम दे देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, आपको पता है वो रेलवे रेलवे वाला प्रश्न बनाया है, इससे समय आपको लगता है 20 मिनट, इसको करते हैं सेकेंड में चेंज, ये होता है 120 सेकेंड, 3 से 6 बार में, 6 से 2 बार में होता है 100 मीटर, ये हो गया आपको दूरी हो गया टोटल। अब इस पर आप इसको सेट कर देंगे, हो जाएगा आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है विकर्ण स्क्वायर यानी 100 × 100/2, 2 से 50 बार में इक्वल टू हो गया 50,000 वर्ग मीटर या 50 एयर, हो गया आपका आंसर और ये आपको नंबर सी में, ठीक है। चलिए अब नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है और ये रेल संबंधी प्रश्न, ट्रेन की प्रश्न है। ये रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी रेल की ही दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में आदमी को पार कर लेता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लंबा चौड़ा बोलने से फायदा है नहीं, तो इसका फार्मूला है टी, अगर दो ट्रेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स यानी कि चाल हो गया, अगर चाल घंटे में है तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ता है, बराबर हो जाता है टाइम, इतना फार्मूला है, इसको सेट कर देना है। अब इसे टी क्या है, टी तो निकालना ही है, चाल क्या है आपको, इसका चाल है 40 और एक ही दिशा में ये आदमी भी जा रहा है, इसलिए चाल हो जाएगा माइनस, ये हो गया यहाँ पर 15 × 5/18, 18 ऊपर चला गया, इक्वल टू टाइम दिया है 48 सेकेंड, हो गया सेट कर दिया, ऐसा आंसर आप निकल जाएगा। तो आप कर सकते हैं इसको टी इक्वल टू 48 × 5 × 15/18, इसको काटिए, इसको काटते हैं आपको 6/48,
6 × 3 = 18, 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 20, हो गया 200। 200 मीटर आपका हो गया आंसर, और ये है आपको नंबर डी में, ठीक है। चलिए अब नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है और ये है चक्रवृद्धि ब्याज से। एक धनराशि 2 वर्ष में 9,680 रुपया और 3 वर्ष में 10,648 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि पहले वर्ष का होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और सामान्य जो ब्याज होता है वो दोनों एक समान होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है एक समान। तो मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट SI और CI। एक वर्ष यानी पहले वर्ष, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपको 9,680 रुपया, और कंपाउंड भी वही होगा 9,680 रुपया, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट चढ़ने के बाद ना फिर कंपाउंड चालू होगा। उसके दूसरे वर्ष का ये तो ये 9,680 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 9,680 और प्लस 968 रुपया, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद ही होता है आपको 10,648 रुपया, ठीक है। तो अब ये मूलधन हो गया और ये हो गया इसका ब्याज। तो दर निकालने का तरीका ये भी है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय, इसके बीच एक वर्ष का अंतर है, दूसरे 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, तो हो गया पहला वर्ष का, और ये या फिर 2 वर्ष या 3 वर्ष में है तो ये दूसरा वर्ष, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का, एक वर्ष का मूलधन गुना समय गुना दर यानी R/100 बराबर ब्याज कितना है 968। ये इससे कट गया 10 बार में और ये ख़त्म, R=2 हो गया 10%, ये हो गया आपका आंसर। तो होपिंग आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये देख लीजिए पूरा का पूरा, मैं साइड हो जाता हूँ बोर्ड से बिल्कुल। तो चलिए अब देख बनाते हैं नंबर 5 का प्रश्न और आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। तो दोस्तों यह है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और ये मैं बताना चाहूँगा कि आपको रेलवे में भी काम आएगा, ना कि सिर्फ BSSC में ही काम आएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के पढ़ें और ये ना सोचें कि किस में काम आएगा, नहीं हर चीज़ में आपको काम आने वाला है। ये तो ये दिया हुआ है कि एक निश्चित राशि का सादे ब्याज यानी साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि वह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? कोई भी धन अगर 3 गुना हो जाती है तो आपको कितना परसेंट का फ़ायदा होगा? उसका दुगुना फायदा होगा, यानी अगर कोई भी जो अंक होता है या राशि होता है अपने स्वतः मान का होता है 100%, अगर 10 रुपया भी है, अगर 10 रुपया भी है तो ये अपने मान का हो गया 100%। अगर आपको कोई 10 रुपया देता है, आप बदले में उसे लौटाते हो कितना, 30 रुपया, उसे फ़ायदा कितना हुआ, 20 रुपया का फ़ायदा हुआ है ना, 30 - 10 = 20, यानी कि 200% का फ़ायदा हुआ, यानी कि जब भी गुना जितना गुना होगा उसमें एक माइनस करके हम लोग मानेंगे उतना फ़ायदा हुआ। 3 गुना अगर हो जाता है तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट 200%। 4 गुना होगा तो 300% लाभ होगा, 2 गुना होगा तो 100% लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान सा शॉर्ट फार्मूला है इसका। क्या पूछा है इसका, जब साधारण ब्याज की बात हो और इस प्रकार प्रश्न दिया गया हो, दर यानी R = होता है I/T, यानी कि इंटरेस्ट बाय टाइम। अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, time = हो जाएगा I/R, उसके बाद I = हो जाएगा T * R, सॉरी R * T है वही, T * R वही हो गया। तो चलिए R = निकालते हैं, इंटरेस्ट कितना हो गया 200% बटे वर्ष कितना हो गया 10, रेट कितना हो गया 20%, ये हो गया आपका आंसर, और ये है नंबर B में, ठीक है। होपिंग बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को, अगर मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही आप लोग जो है कुछ जो लोग लाइक नहीं करते हैं तो काइंडली लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने व्यूअर होते हैं उतने लाइक हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, और साथ ही अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो लेते हैं विदा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे सब्जेक्ट के साथ, अच्छे चैप्टर के साथ, अच्छी बातों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।